क्या आप कुछ टाइम से ही अपने बालों का ज़्यादा झड़ना नोटिस कर रहे हैं? पहले जहां आपके बाल 50 टूटते थे, अभी उनकी संख्या 100 हो चुकी है। देखिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें कि कुछ जेनेटिक कारण हो सकते हैं, फिर कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन आपकी हो सकती है। लेकिन अपने हेयर केयर रूटीन में की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपके बालों का झड़ना 3 से 4 गुना तक बढ़ सकता है। वो मिस्टेक आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एंड में एक ऐसा सोल्यूशन भी देने वाली हूँ जिसके बाद आपके बालों की झड़ने की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मिस्टेक्स के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हैक्स भी शेयर करने वाली हूँ, जिनके इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ पर भी काफी असर पड़ेगा, बाल जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मिस्टेक नंबर 1 है यूजिंग हार्श शैम्पूस। जब भी हम अपना हेयर वॉश करते हैं, सबसे पहली चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हेयर वॉश में, वो है हेयर शैम्पू। और अगर वही शैम्पू हार्श होता है, यानी कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, तो वो आपके स्कैल्प को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके बालों को ड्राई बनाएगा, और केमिकल्स से बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आपके स्कैल्प में हो जाएंगी। आपको इस्तेमाल करना है कोई माइल्ड हर्बल या फिर ऐसा शैम्पू जो सल्फेट एंड पैराबिन फ्री हो। बेशक उसमें लेदर यानी कि झाग कम बने, लेकिन वो आपके बालों को अच्छे से साफ करने के साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ में, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। आप ले सकते हैं, मेरी एक वीडियो है इस पर कि कौन कौन से हेयर शैम्पू आपके बालों के लिए अच्छे रहेंगे, नेचुरल एंड हर्बल रहेंगे, वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। साथ में अपने हेयर वॉश की फ्रिक्वेंसी अगर आपकी डेली है, फ्रिक्वेंटली आप अपने हेयर को वॉश करते हैं, तो स्कैल्प में, हेयर में जो नेचुरल ऑयल होते हैं ना, वो भी एवरी वॉश निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल और ज़्यादा ड्राई होते हैं, उलझते हैं, फ्रिजनेस उनमें आती है, और आप कॉम करें या कोई हेयर स्टाइल करें, वो टूट टूट के बाहर निकल आते हैं, और आपको सीवियर हेयर फॉल की प्रॉब्लम होनी भी स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ एक शैम्पू से। तो शैम्पू का सिलेक्शन बहुत, यहाँ पर एक शैम्पू हैक आपको इस्तेमाल करनी है। आप अपना कोई भी शैम्पू कभी भी डायरेक्टली अपने बालों में ना लगाएं, बालों को पहले गीला करें तब लगाएं, और शैम्पू को हमेशा आप डाइल्यूट करके लगाएं, यानी कि थोड़ा सा पानी ले लें। पानी में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आप अनियन जूस में पानी मिलाकर तब उसमें शैम्पू मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी हर्ब जो जैसे कि आपकी ग्रीन टी हो गई, या फिर आप हिबिस्किस के फ्लावर्स का पानी निकालकर उबालकर उन्हें बनाकर ऐसा कुछ पानी बना सकते हैं जो कि हेयर वॉश करते करते आपके स्कैल्प को बहुत नरिश करे। आप राइस वाटर तक ले सकते हैं, इस पर मेरी वीडियो है, वो जाकर आप देख सकते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। हर्बल वाटर के साथ भी आप शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, हम सभी को अपने बालों को अलग अलग हेयर स्टाइल में बांधना अच्छा लगता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जितना भी प्रेशर हमारे हेयर स्टाइल को बनने में, या फिर आप टाइट अपने हेयर स्टाइल को बांधकर रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है हमारे हेयर फॉलिकल्स को, जिससे जड़ से ही बाल निकलकर बाहर आ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले नोटिस किया होगा, कोई भी हेयर स्टाइल आपने ऐसा बनाया होगा जिसमें एक्सेसिव पिंस लगती हैं, तो जब हम बाद में अपने बालों को खोलते हैं तो वो बहुत सारा हेयर फॉल हो जाता है, स्पेशली शादी वगैरह में ऐसा होता है। तो आप चलिए कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ाना कुछ ऐसे हेयर स्टाइल बनाते हैं, जैसे कि पूनी टेल हो गया, अपने मतलब टाइट ब्रेड आपने बना ली है, या फिर क्राउन एरिया पर बहुत ही टाइट कुछ बनाया है, तो यकीन मानिए आपके बालों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके बाल टूट रहे हैं। इसकी जगह आप ये हैक इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने बालों को आप लूज बांधें या उन्हें ओपन छोड़ें। ओपन नहीं भी रख सकते हैं, अगर आपको बाहर ट्रैवल करना है तो आप अपने बालों को कवर कर सकते हैं किसी मखमल के कपड़े से, किसी कॉटन के कपड़े से, और जब आप अपने वर्क प्लेस पर पहुंच जाएं तो आप अपने बालों को खुला रख सकते हैं। ऐसे में बाहरी एनवायरनमेंट से आपके बालों का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, वो उलझेंगे भी नहीं। बेसिकली हम अपने बालों को इसलिए टाइट बांध लेते हैं कि वो बाहर उड़े ना या फिर उलझे ना। तो आप रास्ते में ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने वर्क प्लेस पर जाकर आप लूज चोटी बना सकते हैं। इस हैक को भी ज़रूर ट्राई करना। 3rd मिस्टेक, हीट स्टाइलिंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स। हीट स्टाइलिंग जैसे कि फ्लैट आयरन, कर्ली आयरन या ब्लो ड्रायर आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके गिरने की संख्या बढ़ जाएगी। किसी भी तरीके का आप हीट टूल अगर अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो उनका झड़ना तो शुरू होगा ही। इसके अलावा केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कि हेयर डाइज, स्मूथनिंग, कैरेटिन और बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं,
बालों को अच्छा दिखाने के लिए, वो बेसिकली आपके बालों को अच्छा नहीं दिखा रहे हैं, वो आउटर लेयर पर ऐसा इफेक्ट डालते हैं, बालों का टेक्सचर ज़बरदस्ती चेंज करते हैं, जिससे हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम आती है और उसके बाद हेयर फॉल भी इंक्रीज हो जाता है। उससे बेहतरीन है कुछ हैक्स जो आप घर पर बैठे बिठाए कर सकते हैं अपने बालों के लिए। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों को, जितनी बार भी आप वॉश करें एज अ हेयर मास्क आप कर्ड एंड बनाना का मिक्स करके बना लीजिए, 10 से 15 मिनट अपने बालों में लगाइए, हेयर वॉश कीजिए और उसके बाद मुझे बताइएगा कि कितनी फ्रिजनेस बची। या फिर मेरे चैनल पर बहुत सारे स्मूदनिंग हेयर मास्क मैंने बनाए हैं जिनके रिजल्ट्स भी बहुत औसम हैं, वो आप जाकर देखिए, ट्राई कीजिए और नेचुरली आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4 है योर पुअर डाइट। जी, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है पहले से। हम चाहते ना चाहते भी पहले ज़माने में हेल्दी डाइट ले ही लिया करते थे क्योंकि खाने के इतने ऑप्शंस नहीं होते थे। अब इतने ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस इतने बेकार हैं कि हम अपनी डाइट को, हेल्दी डाइट को कम्प्लीटली रिप्लेस कर चुके हैं जंक फूड से, जो कि बहुत खतरनाक है। दोस्तों, हमें अपनी डाइट में जो हमारे शरीर को ज़रूरी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें चाहिए वो डाइट के थ्रू ही देनी है। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है जिसमें कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ हो, और हाँ, वाटर इंटेक भी आपको अच्छे से करना है, तभी आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो इंटरनली अच्छी होगी। हेयर फॉल का रीज़न आपके अंदर से ही आ रहा है, लेकिन आपकी डाइट ख़राब है तो सब कुछ बिगड़ेगा, ना ही सिर्फ आपके बाल बल्कि आपकी स्किन भी बिगड़ेगी। तो आपको अपनी डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स सब कुछ लेना है। एक हैक मैं आपको अभी बता देती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए वो हेल्दी डाइट करना बहुत टिपिकल हो जाएगा तो आप जो बाहर का खाना है बस उसे खाना छोड़ दें। बस इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बाहर का खाना खाना छोड़ दें, सिर्फ आपके घर में जो बना है वही खाएं और फिर देखिएगा कि आपके लाइफस्टाइल में, आपके स्किन के टेक्सचर में, आपके बालों में, आपके ओवरऑल हेल्थ में कितना डिफरेंस आ जाएगा। एंड लास्ट में और सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स आज हम लोग जो कर रहे हैं वो है स्ट्रेस। जी हाँ, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से आपको तरह तरह के हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे, इंक्लूडिंग हेयर फॉल। तो अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, नहीं बचा जा सकता, आजकल सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर स्ट्रेस है, तो इसमें आप पर काम करेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में अपनाना है योगा, मेडिटेशन, लोगों से बात करना, फ़ोन का इस्तेमाल अननेसेसरी, अगर आपको लग रहा है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दें, वो भी स्ट्रेस का कारण है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम अपनों से ही बात नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो औरों को नहीं पता है, औरों के दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है, हम अपनी लाइफ में खो जाते हैं और वो धीरे धीरे कब स्ट्रेस में बदल जाता है हमें ही नहीं पता चलता, और उसमें फिर हमारी हेल्प कोई नहीं कर सकता। या फिर बहुत सारी ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। बस आज के ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करके ये 5 हैक्स अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करना शुरू कर दीजिए और मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आपके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाल हो जाने वाले हैं। और इसके अलावा भी अगर आप रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल रेमेडीज जो कि मेरे चैनल पर बहुत सारी हैं, उससे तो बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हाँ, अपने शरीर पर, अपनी हेल्थ पर ज़रूर आपको फोकस करना है। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर लगी है इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एडमायर ब्यूटी फैमिली के साथ जुड़ जाइएगा। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक और कमाल की इन्फॉर्मेटिव एंड रेमेडी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।